शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, विशाल पटेल के साथ खबर सनसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। नहीं थमरा योगी सरकार में भी गुंडागर्दी व प्रशासन की लापरवाही, नहीं मिल रहा है पीड़ित परिवार को न्याय। कहने के लिए तो योगी सरकार में निजाम बदल गया, इकबाल बदल गया और प्रशासन खामोश एवं दुरुस्त हो गई है। लेकिन बदला तो कोरवा पुलिस प्रशासन नहीं बदला, लेकिन यदि किसी गरीब को प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है, अभियुक्तों के दबंग के चलते हेल्पलाइन नंबर 100 को भी दबंग अभियुक्त खरीद कर अपनी जेब में रख लेते हैं। आप लोग थाने पे गए थे? थाने पर गए थे साहब, रोज जाते हैं आप। 3 दिन का केस हो गया, रोज जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सोनू और बड्ढू कुल दोनों आदमी बैठे है जी, हम लोगों का कुछ होने नहीं पाता, मार के खेत देते हैं। सोनू बड्ढू कौन है? वो हमारे बंदोई है, एक भांजा है जी। जी, वो आपके पक्ष में नहीं? ना ही साहब, हमारे ऊपर केसीसी बनवा ले रहे हैं 1-1 लाख रुपया की, वही वजह से हमारे खिलाफ है जी। जी, और क्या हुआ? मेडिकल हुआ? मेडिकल कहाँ हुआ? मेडिकल अभी नहीं हुआ है। मेडिकल वो खुद बोले अपने से कराने के लिए कि वो खुद लेके जाएंगे? नहीं नहीं, मेडिकल तो लेके गए सी के कराने के लिए, लेकिन हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ मेडिकल? वो हॉस्पिटल बंद हो गई थी। हॉस्पिटल कितने बजे लेके गए थे? 11 बजे लेके गए थे, 12 बजे वहाँ पहुँचते थे, वहाँ हॉस्पिटल बंद हो गई। अब सोमवार को बोले हैं कि दोबारा ले जाके कराएंगे जी। जी हाँ, लेकिन कोई कार्रवाई ऐसे नहीं कर रहे हैं, बस खाली केस बनवा देंगे। 2 बारी केस बन चुकी है, 3री बारी है, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है, न प्रशासन से न तो ये सुधर रहे हैं जी। बार बार मारने की धमकी देते हैं जी। मैं बाहर रहता हूँ, मेरे पिताजी घर में अकेले रहते हैं, मेरे माताजी भी अकेले रहते हैं, इनको मारने की धमकी देते हैं, अब मारते भी हैं, आप लोग देख ही रहे हो। क्या आप लोग थाने पर सूचना दिए हैं कि हमें जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं? थाने पर सूचना दिए हैं लेकिन कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं जी। जी हाँ, और मेरा एक भाई है, उसको भी अपनी तरफ लिए हैं, उसको पागल कर दिए। उसको कैसे अपने तरफ ले लिए? वो उसी के तरफ हैगा साहब, 8 साल भर से उसकी शादी जब से किया हूँ तब से उनके तरफ हैगा, और उनका ही जो कहते हैं मेरे घर में, मैं तो बाहर रहता हूँ, ये लोग खेत में चले जाते हैं, घर में से गेहूँ है, चावल है, जो कुछ भी है सारा कुछ उठा के ले जाके बेच लेता है और उनको दे देता है सारा कुछ। अब बोली तो तू हो मारता है? अब बोलते हैं तो वो भी उनके तरफ से मारता है जी। जी हाँ, ये कार्रवाई है कि इसके लिए जो कुछ भी देख रहा है, इसके लिए सबने निवेदन है कि इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं प्रशासन से भी कह रहा हूँ। क्या कैसे मामला हुआ है आपको? हमारा घर द्वार सब ले लिए हैं, हमको मारते हैं जी। जी, कौन लिए हैं? दीप नारायण प्रदीप कुमार। कौन है आपके? क्या लगते हैं आपके? हमारे भाई लगते हैं। सगे भाई लगते हैं? हाँ, सगे भाई। क्या कैसे मामला है ये सब? चढ़ाई जबरदस्ती सब डेरा भी ले लिए हम लोगों को मारते हैं। डेरा क्या क्या लिए हैं? अरे जमीन ले लिए हैं, घर ले लिए हैं, ट्रैक्टर ले लिए हैं, जीप ले लिए हैं, 100 पॉइंट लिप्टिस का है वो भी ले ली चुकी है। ये आपसे विवाद किस कारण चल रहा था? यही कारण चल रहा था जी। जी, ये हमें हमारा हिस्सा है मगर मुझे मिलता नहीं है, जब बोलते हैं तो मारते हैं जी। जी, कैसे मारे हैं? किससे? लाठी से मारे हैं। लाठी से मारे हैं, तो 5 लोग लग के मारे हैं जी। जी, परसों शाम को 4 बजे मारे हैं। कहाँ कहाँ पे मारे हैं बता सकते हैं? सर पे मारे हैं, ये हाथ पे इधर मारे हैं, फिर पैर पे मारे हैं, मेरे इनके सर पे मारे हैं, इनके देख लो दोनों हाथ में मारे हैं, ये देख लो पैर में, यहाँ मारे हैं, यहाँ मारे हैं, यहाँ मारे हैं। आप पुलिस आपके पास प्रशासन आई थी? प्रशासन आई थी लेकिन उनके पास घुस दे के कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं जी। जी, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, वो लोग घुस दे के सारा कुछ दबा दे रहे हैं। 100 डायल किए थे आप लोग? 100 डायल किए थे, वो आए नहीं, 5-10 बार लगाए थे, कोई आए नहीं, कोई नहीं आया। हाँ, उतने पर जान से गोली से मारने की धमकी दे रहे हैं, धमकी घर में घुस के मारूंगा। धमकियां कौन दे रहा है? दीप नारायण, वीरेंद्र सुकुल और उनके दामाद हैं प्रदीप कुमार, सारे लोग दे रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मनीष कुमार शुक्ला है जी। जी, आज भी बुलाए थे थाने पर, कल आए थे जी दरोगा जी, मगर आज बुलाए थे, हम भी अभी तक गए थे, ये लोग कोई गए नहीं जी। जी, सब फरार है जी। जी, हाथ पैर में बहुत चोट।